बच्चों, आज जो है हम आपको नए पाठ की ओर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नया पाठ जो आपका शुरू होगा दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, और एक इनका महाकाव्य है जिसे हम साकेत कहते हैं। साकेत महाकाव्य से थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा भाग ये आपकी काव्यांजलि में संकलित किया गया है, और उसका शीर्षक दिया गया है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है प्रायश्चित या पश्चाताप। तो आज सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय के विषय में, संदर्भ में समझ लें मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, इसको स्मरणीय संकेत कहिए या स्मरणीय तथ्य कहिए या संक्षिप्त परिचय कहिए, इस तरह से उसको दिया जाता है। जैसे जन्म, किसी भी कवि का या किसी लेखक का जन्म कब हुआ, है ना, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता क्या नाम है, उनकी रचनाएं क्या है, भाषा शैली क्या है, आज के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले जीवन परिचय में स्मरणीय तथ्य या स्मरणीय संकेत या संक्षिप्त परिचय के नाम से जानते हैं। तो चूंकि आज मैथिली शरण गुप्त, क्या बताया हमने, मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्रकवि थे, क्योंकि अब हमारे बीच में नहीं है, अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो इनका जन्म हुआ था 1886, 1886 ईस्वी, 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जन्मस्थान चिरगांव, झांसी। झांसी जिला है, अपने उत्तर प्रदेश में ही है ये, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। बुंदेलखंड झांसी का भी क्षेत्र है, और वहीं पर एक गांव था चिरगांव नाम। जैसे हम लोग गांव से आकर के यहाँ रहने लगते हैं तो अपने गांव का जो मूल पता होता है, मूल निवासी स्थान, वो तो वही चीज बताई गई है। चिरगांव झांसी में इनका 1886 ईस्वी में जन्म, 1886 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और उनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी। कब हुई थी? 1964, 1964 ईस्वी। अब चूंकि अब जन्म हुआ 1886 ईस्वी में चिड़गांव झांसी में उत्तर प्रदेश भारत में, और मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। उनकी जो भाषा, पिता पिताजी का नाम देख लीजिए, पिता का नाम था शेठ राम चरण दास। शेठ राम चरण दास पिताजी का नाम। अब भाषा उनकी कैसी है? भाषा जो है वो खड़ी बोली, सबसे बड़ी विशेषता की उन्होंने खड़ी बोली में लिखा। हमारी रचनाएं उनकी एक नहीं अनेक, तो कुछ रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बाकी आप किताब के माध्यम से उन रचनाओं का अध्ययन करें। साकेत, साकेत क्या है? महाकाव्य। इसी के कारण इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली, साकेत जो है महाकाव्य इनका। और इसके बाद है जय वृक्ष, जय वृक्ष वध, जो महाभारत में जय वृक्ष थे उनका वध हुआ था, तो उनके विषय में इन्होंने लिखा। इसके बाद भारत भारती, भारत भारती ये उनकी रचनाएं मैं बोल रहा हूं। और अनंत, अनंत के बाद पंचवटी, ये वही पंचवटी है जहां पर भगवान राम 14 वर्ष का जब वनवास इनको हुआ, ये गए चित्रकूट, चित्रकूट
में पंचवटी नामक एक स्थान है, उसी पंचवटी से, पंच माने पांच, वटी माने वट, वट माने बरगद, यानी पांच बरगद वहीं पर आपस में थे, तो उसका नाम हो गया पंचवटी। पंचवटी से ही सीता का हरण हुआ, पंचवटी से ही रावण ने सीता का अपहरण किया था, तो वो पंचवटी है। पंचवटी में आपने हाई स्कूल में पढ़ाई की रचना, हाई स्कूल में है पंचवटी करके, कि जब सीता जी और राम जी अपने कुटिया में सो रहे हैं या रुके हुए आराम कर रहे हैं, उस समय लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, एक शिला खंड है वहीं पर खड़े खड़े रात दिन पहरा देते। बच्चों ये 12 वर्ष तक नहीं सोए थे, 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया। उसका कारण था, कारण ये था कि सती सुलोचना नाम सुना होगा, मेघनाथ की धर्मपत्नी सुलोचना ने वरदान मांगा था कि जो 12 वर्ष तक जिसने शयन न किया हो, 12 वर्ष तक उसका किसी स्त्री से संपर्क न हुआ हो, वही मेरे पति का पद कर सकता है। तो ये लक्ष्मण में सारे गुण थे, उन्होंने 12 वर्ष तक शयन नहीं किया और किसी स्त्री से 12 वर्ष तक उनका संपर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने पद किया, तो वो पंचवटी है। पंचवटी के बाद जय भारत भीम की रचना है, जय भारत के बाद अहंकार, त्रिपथगा, उड़ाल, उड़ाल के बाद है गीत, गीत, गीत के बाद मैं और बता रहा हूं नहुष, गीत के बाद नहुष, कावा और करबला, वीरांगना, मेघनाद बध, वासवदत्ता, ये अनुदित रचनाएं, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया, चंद्रहास, तिलोत्तमा आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। आज आदि जो उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, तो ये एक बार फिर इसको जो है इस बार कर ले, देख ले, मैत्री सरल जीवन, गुप्त का जीवन परिचय। पहली बात तो ये राष्ट्रकवि थे, मैत्री सरल गुप्त राष्ट्रकवि थे। उनका जन्म 1886 ईस्वी में चिड़गांव झांसी, जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ ना? तो 1886 ईस्वी में चिड़गांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था सेठ राम चरण दास, पिता का नाम था सेठ राम चरण दास। भाषा इनकी थी खड़ी बोली, और रचनाएं जो कि आपने आपको बताया कि साकेत है सबसे पहले, महाकाव्य, जयद्रथ है, भारत भारती है, अनंत है, पंचवटी, जय भारत, अहंकार, त्रिपथगा, उड़ाल, गीत, इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं। और उनकी मृत्यु हुई थी 1964, तो 1886-1964 चिड़गांव झांसी से रामचरण दास खड़ी बोली, ये रचनाएं, ये आपको जीवन परिचय के अंतर्गत करता हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि राष्ट्र के प्रेम से इनका बहुत प्रेम था, और इसलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, वो नर नहीं है, वो पशमीरा है और मृतक समान है। और उसमें पंचवटी में आपने भी पढ़ा होगा, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, जल फल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी, अवनी माने पृथ्वी, अवनी और अंबर तल,
चार चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा का पूरा प्रकाश निकला हुआ है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है आवानी यानी पृथ्वी और अंबर पर। राष्ट्र से बहुत प्रेम था, पृथ्वी से बहुत प्रेम था, इसलिए राष्ट्रकवि की उपाधि से ही घोषित किया। अब आइए उनके विषय पर, जो हमारी पुस्तक में एक शीर्षक दिया गया है, कैकेयी का अनुताप। तो ये साकेत नाम महाकाव्य से इसको लिया गया है, शीर्षक दे दिया गया कैकेयी का अनुताप। राम काव्य परंपरा के उज्ज्वल मणिरत्न साकेत से प्रस्तुत पंक्तियां अवतरित हैं, जिसमें पाश्चात्य की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने वाणी दी। साथ ही भारत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को उजागर किया है संसार प्रसिद्ध उक्ति, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती है, का स्वयं कैकेयी द्वारा खंडन और स्वयं को कुमाता के रूप में स्वीकार करना, उसके द्वारा अनुभूत किए जा रहे पश्चाताप की चरम सीमा को इंगित करता है। स्पष्ट है मलिन एवं कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है, वो राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करती है। यानी रामचरित मानस के आधार पर इसका दृष्टांत दिया गया है ना, गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है और कैकेयी का अनुताप दिया है। अनुताप माने होता है प्रायश्चित या पश्चाताप। तो कैकेयी पश्चाताप करने के लिए स्वयं भरत यानी अयोध्या का पूरा शिष्टमंडल और तीनों माताएं, ये सब राम को मनाने के लिए अयोध्या बन गए हुए हैं। अब वहां पर सभा है, सभा में कैकेयी जो है प्रायश्चित कर रही कि मैंने जो कुछ किया गलत किया, आज जो पुत्र कुपुत्र भले ही माता कुमाता न भवती, लेकिन वो चरितार्थ जो है गलत हो गया, इसलिए तो आज हम बच्चों इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल भी इसी संदर्भ में कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक दिया गया है, इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद कल फिर मुलाकात।